खुद बोला मैम, थैंक यू। अरे यार ले सोनाली जी, ले अभी अभी मिला अभिषेक भेटे ना प्रिया शो। मैडम जी थोड़ा पीछे जाइए ना, थोड़ा पीछे। सोनाली मैम लुक हियर, यहाँ पे सेंटर सेंटर। मैडम जी एकदम सामने आपके नीचे, सेंटर सेंटर ऊपर। मैम अभी यहाँ पे, मैम यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ऊपर। सोनाली जी मैडम जी, मैडम जी नीचे थोड़ा सा। सोनाली जी यहाँ पर, सोनाली जी यहाँ पे सेंटर सामने। अनूप, अनूप सोनाली मैम, अनूप इस फोटो में। मैम यहाँ, भाई आपको मैं बुला रहा हूँ। मैम यहाँ पे, मैम सोनाली जी यहाँ राइट है। सोनाली जी यहाँ पे, यहाँ पे तमीज वाले लोग आए। सोनाली जी अनूप फुल फोटो शूट इज हैपनिंग। एक साथ प्लान भी ला एक मिनट मैडम जी रुकिए, सर आ रहे एक साल के साथ। हेलो लैला, लैला नाइस लुक सर। यहाँ पे, यहाँ पे सेंटर रुकिए, राइट बोतल भी है भाई। मैडम जी यहाँ पे सर, अभी यहाँ पे सब यहाँ पर, सर यहाँ पर नमस्ते सर। यहाँ में थैंक यू नवाज भाई का एक सोलो लेना। नवाज भाई नवाज भाई थोड़ा पीछे, नवाज भाई कैमरा नीचे करो, सबको जादू देखना। सर लुक भारी है, जादू। नवाज भाई यहाँ पे, यहाँ पे नवाज सर सामने सामने वापस। सर अभी यहाँ पे, नवाज सर यहाँ पर, सर यहाँ पर ये बस सर लैला सर यहाँ। नूपुर जी आगे आइए, आगे आइए, ऊपर ऊपर ऊपर। लाइट नहीं पहुंच रही है, बराबर बराबर सामने से देखिए। अरे इधर खड़ा हो गया, बैठ के ले रहा सेंटर सेंटर। नूपुर जी सामने थोड़ा नीचे, नहीं ठीक है। अरे सही है रे, बराबर है सेंटर यहां। नहीं 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 सही है मैम, यहाँ पे देखिए एकदम सामने। उसका तो फ्लैश ले मुड़ पे यार। नूपुर जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे मदद 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 मैडम यहाँ जी एक मिनट। नूपुर जी सेंटर एक मिनट रुके। मैडम जी, मैडम जी एक एक सॉरी मैम यहाँ पे नूपुर जी साथ में। हाँ थोड़ा सा आगे आइए। अरे तू पीछे आ रहा है, अरे लाइट नहीं पहुंच रही, थोड़ा आगे बुला ना। अरे तू आगे बस बस थोड़ा क्लोज आ जा, क्लोज हम क्लोज। नूपुर जी नूपुर रुके, सेंटर 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 यहां पर देखिए, आ जा सेंटर यहां पे सेंटर। अनूप चलो हो गए सुरेश। नमस्ते सर जी, थैंक यू। हाँ नवाज भाई को बुलाना है, लाइट पहुँच ही नहीं रही है, पहुँच ही नहीं रही है, लाइट मारा ही नहीं है वो, कहाँ से पहुँचेगा। एक मिनट एक मिनट, पैर किसके, मेरा भी रोल चालू, उसने तेरा नीचे मार दिया हाथ, तू रोल बंद कर देता है। अरे भाई इधर तो कर लो ना, अभी मैं नीचे करूँगा इनका पेश आएगा, देख रहे हो आप, मुझे करने में क्या है, मैं क्यों नहीं करूँगा। मैडम जी यहाँ पे सेंटर, ओ नाइस हेयर, यहाँ पे सेंटर थोड़ा कम क्लोज है लैला सेंटर सेंटर जादू। सर यहाँ पर, सर मैम यहाँ पर, अनूप अनूप सेंटर मैडम नहीं 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 क्या बात है।
अभी सामने एकदम सामने सेंटर सेंटर ऊपर नहीं अपन ऊपर जी सब लोग सामने नीचे सब लोग सामने नीचे सामने नीचे थोड़ा नीचे डाउन है अनुप देखिए सेंटर बहुत ऑल ऑफ यू यहां पर देखिए मुझे तो मेरा ही फ्रेम नहीं दिख रहा है सुना लेकिन यहां पर नहीं दिख रहा अनुप अनुप तो सबको जानता है एक मिनट क्या एक पूरी टीम आइए पूरी टीम टाइम नहीं अरे तेरा पूरा आ रहा है मेरे में कहाँ देख रहा है अनुप अरे मनोज क्या कर मनोज भाई नीचे बाद में मनोज के बाद में देखो सबसे पहले तो मेरे सारी बधाई निकालनी चाहिए चेहरे की रैपअप पार्टी के मौके पर हम सभी यहाँ पे चेहरे जैसा कि आपने बताया कि मुझे तो अब तक लगा कि दो नूरानी चेहरे यहाँ होंगे लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि आवाज़ भाई नूरानी चेहरा है क्या बात देखने से पता चल जाएगा ना कौन कौन है देखने से पता चल बट यही क्लिशे ब्रेक करना है हमें फिल्म के साथ आप सरप्राइज क्यों हो रहे हो आपको क्या लगा नूर तो इनके इनकी आंखों में है हमारी भी कर देना देखो क्या है फिल्म का फिल्म खत्म हुई है और इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत अच्छी स्टार कास्ट है और जैसे कि आप देख रहे हैं क्या नोट टपक रहा है और इनकी तो मुझे बहुत खुशी है कि भाई ऐसे ऐसे स्टार्स जो एक्टर्स के साथ में काम कर रहा हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला है इनसे Oh my God. ये हमें भी जानना ये एक उसके लिए मुझे बहुत लंबी किताब है जिसकी मुझे लिखनी पड़ेगी अब तो हमें भी जानना है अब तो हमें भी जानना नहीं तो हमें लगेगा इनकी जो ऑनेस्टी है सिनेमा में फिल्म में दिखाई देगी आप बहुत ही सादगी के साथ और बहुत ऑनेस्टी के साथ उन्होंने काम किया हालांकि इनकी पहली फिल्म थी बट वो सादगी क्योंकि सबसे टफ जो है एक्टिंग में यही हम लोग उसी के लिए स्ट्रगल करते हैं और जो है ये तो एक्सपीरियंस हैं बहुत अच्छा काम किया इन्होंने और बहुत ही हाजिर जवाब हैं और बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत ही लाइव है लाइव बैठी है जब भी कैमरा ऑन होता है भले ये सुस्त पड़े रहते हैं लेकिन एकदम अचानक से जैसे ही कैमरा आता है बहुत लाइव मतलब कैमरे के पीछे कुछ और है लेकिन कैमरे के सामने कुछ और होता है ओह वाओ इट्स वेरी ऑब्जर्वेंट लोगों जी डेब्यू कर रहे हैं आप हालांकि आपके गाने को हमने देखा है किसी के जुड़ाव पे रह चुके हैं आप एक्टिंग से डेब्यू कर रही हैं तो आप बताएंगे फिल्म से कैसा रहा एक्सपीरियंस विद आवाज भाई के साथ सो मैं हिबा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड मुझे क्योंकि आप जब नए होते हो ना तो आपको चीज़ें नहीं पता होती इतने अच्छे से
एंड अगर आपके सामने कोई इतना अच्छा एक्टर हो तो आपको ये पता होता है कि आप जितनी मेहनत करोगे उससे ऊपर ही दिखेगा, क्योंकि वो आपकी वो आपको ऐसी एनर्जी देते हैं. तो बहुत हेल्प करी है इन्होंने मेरी हर सीन में, विदाउट रियली कंट्रोलिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग मी कि ये करो वो करो. बट आई थिंक जैसे जैसे मैं चली गई ही मोल्डेड एज पर दैट विच आई रियली रिस्पेक्ट, बिकॉज आप नए होते तो आपको यही चाहिए होता है कि कोई आपको खुद से ग्रो करने दे रादर दैन आपको बताए. बिकॉज यू नीड टू इमेजिन, यू नीड टू बी क्रिएटिव, यू नीड टू क्वेश्चन, जो मैं बहुत करती हूँ, जो मैंने सर खाए हैं सबके क्वेश्चन कर करके. यू कैन आस्क माई डायरेक्टर. चलो मैडम आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद दो हैंडसम ब्यूटीफुल स्टार्स के साथ में. सर ने बोल दिया कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, तो आप बताइए. मुझे तो बहुत एवरी मोमेंट बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और ऑनर्ड फील हो रहा था, सिंपली बिकॉज ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट और स्क्रिप्ट लेवल पे तो बहुत अमेजिंग है. बट मेरा पहला रीज़न आफ्टर द स्क्रिप्ट जुड़ने का इस फिल्म के साथ वॉज ऑफ कोर्स निवासा. एंड इट्स लाइक मुझे लग रहा था कि मैंने इतने टाइम एक्टिंग स्कूल में पैसे क्यों वेस्ट किए, इन्हीं के साथ पहली फिल्म मिल जाती तो मैं देख देख के. बट जेन्युइनली शायद मैंने कहते से काफ़ी एक्सप्रेस किया भी है और शायद उतना नहीं कर पाऊँ. जस्ट इनको आप जब मेरा शॉट नहीं चल रहा था इनको बस बैठ के मैं देखती थी एक क्रीप की तरह, क्रीप पता ना एकदम क्रीप की तरह मैं देखती थी. हाँ स्टॉकर तो अभी रियल एक्सपीरियंस शुश. बट जस्ट ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड ऑफकोर्स टैलेंट वैलेंट वो बहुत क्लीशे हो जाता है, हम सबको पता है वो कितने ब्यूटीफुल आर्टिस्ट है कितना सीखा है. बट मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा और मज़ा आया. दिस वॉज अ फन प्रोजेक्ट, मज़ा आया. नुपुर वॉज सो अमेजिंग, उसकी पहली फिल्म है. बट वी जस्ट काइंड ऑफ आई थिंक इट टुक अस 2 डेज 3 डेज जेल्ड. हाँ मतलब 2-3 दिन लगे बिकॉज यू नो शी वॉज इन हर एलिमेंट एंड आई वॉज इन हर एलिमेंट एंड देन वी वर लाइक I was going to say a bad word, but leave this thing, and then we were, you know, it was amazing working with the whole team. How about like stalker, school teacher, principal, ऐसे सारे आपको खिताब दे जा रहे हैं मुझे. हाँ खिताब दे जा रहे हैं. But you know, हाँ of course. But you know, एक सबसे अच्छी बात क्या थी कि हमने किसी भी चीज़ का ना कि जितने भी हम आर्टिस्ट हैं हमने किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लिया. एक माहौल ऐसा बना था कि कहते हैं ना खुद ब खुद होती चली जा रही थी चीज़ें. यू नो एक्टिंग का यही है कि उसको ईज़ बनाने के लिए माहौल जो होता है ना वो भी ईज़ बनाना पड़ता है. अब अगर इस तरह की फिल्म में हम लोग बहुत नहीं आपको यहाँ पे पॉज लेना है, यहाँ पे ये बोलना है, अंडरलाइन करनी है, तो एक भी एक्टर ना कर पाता. तो जैसा हमारा माहौल था बिहाइंड द सीन ऐसे ही फिल्म थी. तो हम जब सीन शुरू करते थे हमें पता ही नहीं चला था कि हम रियल एक्टिंग कर रहे हैं या इससे पहले जो बातें कर रहे थे उस तरह की बातें कर रहे हैं. तो इतना सिंक हो गई थी चीज़ें यहाँ रियल और रियल लाइफ. ओके नवाज भाई रैपअप पार्टी है, थोड़ा सा बताना चाहिए ये फिल्म कब आना की बहुत जल्दी आपसे पूछना आप लोगों से फिल्म कब तक आ जाएगी थिएटर में आएगी. आपको थिएटर में आएगी कब तक आ जाएगी ये मुझे नहीं आइडिया है. ये हमारे सारे प्रोड्यूसर भी यही हैं, ये आप उनसे सवाल करने में ज़्यादा बेहतर है ना. तो रैपअप पार्टी है तो कितना एंजॉय करने वाले आज की शाम पार्टी में, वो भी आपके खूबसूरत बंगलों में पार्टी है, तो बताइए कि कितना एंजॉय करने वाले हैं आप लोग एंड नवाज भाई के बंगलों में. मुझे बिलीव ही नहीं हो पा रहा कि मुंबई में किसी के पास इतना बड़ा बंगलो है. पहली बात तो आई एम सॉरी, मुझे बिलीव ही नहीं हो पा रहा कि घर बड़े बड़े होते हैं, बॉम्बे में थोड़े छोटे होते हैं अपार्टमेंट एंड वो भी इतने एक्सपेंसिव होते हैं. सो जब मुझे पता चला था कि यू नो लाइक अभी इन्होंने एक नया घर लिया है बनाया है और इतने अच्छे तरीके से बनाया है, मुझे ऐसा लगा था मे बी न्यू बॉम्बे साइड है, थोड़ा बाहर आउटस्कर्ट्स में कहीं होगा, बट इट्स 5 मिनट दूर मेरे घर से. और इतना सुंदर और ऑल्सो अपने 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 गाँव वाले घर से काफ़ी थोड़ा इंस्पायर हुआ है. तो चलिए थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड गुड लक. थैंक यू सो मच सर. शॉर्ट्स ले लीजिए उसके बाद. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.